आज गेहूं के आटे से कैसे रेसिपी बनाएंगे जिसको आप एक बार बना के खिलाएंगे तो बच्चे हो या बड़े बार बार डिमांड करेंगे। ये हेल्दी भी है, बहुत ही टेस्टी भी है। इसको खाने के बाद बच्चे बाहर का खाना खाना भूले जाएंगे। नमस्कार, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। तो यहाँ पे लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा और यहाँ पे मैंने डाल दिए 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी। साथ में मैंने लिए 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 3 चुटकी जितना बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच जितना दही। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल और इसको डालने के बाद हम फिर से गूंथ लेंगे। अब आटा रेडी है तो इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट। 10 मिनट बाद हम इसको फिर से गूंथ लेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छे से गूंथने के बाद मैंने आटे को 2 हिस्सों में भाग कर ली है और एक हिस्से को हम लेंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो रोटी को मैंने बेल ली है। अब हम इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं चॉप बोर्ड में और इसकी जो साइड वाले हिस्से इसको हम कट लगाएंगे। बराबर के हमें कट लगाना है तो मैंने कट लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे जिस तरह से मैं ये कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसी तरह से मैंने डिजाइन कर ली है। अब हम इसको रख देते हैं एक प्लेट में और इसको हम फोक की मदद से इस तरह से कर लेंगे ताकि हम इसको जब बेक करेंगे तो इसमें ये फूले ना। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लगा लिए पिज्ज़ा सॉस इसके अंदर वाले हिस्से में और बाहर मैंने 1 चम्मच लगा लिए। टोटल 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस लगा ली है और ऊपर से हम इसमें रख देंगे मोजरेला चीज़ और प्याज को मैंने इस तरह से काट लिए थे तो इसको भी रख देते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे रखी हूँ कैप्सिकम, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती मैंने और टमाटर को रख देती हूँ। टमाटर को सेंटर में रख के फिर साइड से भी थोड़े से रख देंगे पतले पतले। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। ये रेडी है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में नमक डाल के इसको गरम कर ली थी 10 मिनट पहले और ऊपर से स्टैंड रख के इसको रख देते हैं प्लेट को और इसको कवर करके हम मीडियम फ्लेम में 20 मिनट तक बेक करेंगे। 20 मिनट बाद ये रेडी हो चुका है तो इसको निकाल देते हैं, ये बहुत गर्म है। तो अब हम इसको कट लगाएंगे। तो तैयार है हमारा वेज पिज्ज़ा, गेहूँ के आटे से बना हुआ, घर का बना, बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।